हर पंथ हर संप्रदाय का सम्मान बढ़ता है। जब राष्ट्र की इकाई कमजोर होती है तो प्रत्येक पंथ संप्रदाय और धर्म के सामने भी अपने अस्तित्व का संकट आ खड़ा होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत मजबूती के साथ दुनिया के सामने एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक भारत समर्थ भारत और सशक्त भारत के रूप में स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक भारत सशक्त भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें एक भारत और श्रेष्ठ भारत के अभियान के साथ स्वयं भी जुड़ना होगा। मत पंथ संप्रदाय या मजहब, यह हम सब की अपनी व्यक्तिगत भावना भी है और इसका आस्था का सम्मान भी होना चाहिए। पूरे देश के अंदर इस भाव का सम्मान वर्तमान में हो रहा है। हर एक को सुरक्षा, हर एक को सम्मान, हर एक की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करना, ये सभी कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। पूरे देश के अंदर एक नया उत्साह है लोगों के मन में। आपने देखा होगा अभी 21 जून को पूरी दुनिया विश्व योग दिवस के रूप में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। योग की परंपरा भारत की ऋषि परंपरा का एक महत्वपूर्ण प्रसाद है, लेकिन वैश्विक मंच पर योग को इस रूप में मान्यता मिलनी चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण ही संभव हो पाया है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वैश्विक मंच पर योग को मान्यता दी है और 21 जून की तिथि को पूरी दुनिया विश्व के साथ झूमती हुई दिखाई देकर के भारत की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करता है, भारत की ऋषि परंपरा के साथ सम्मान का भाव व्यक्त करता है। ऐसे ही प्रयागराज में जब कुंभ का आयोजन हुआ था, प्रयागराज कुंभ को भी यूनेस्को ने विश्व की मानवता की एक अमूल्य धरोहर के रूप में उसे मान्यता दी थी। यह भी भारत की परंपरा के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव था। वैश्विक मंच पर जब भी भारत की परंपरा को सम्मान का भाव प्राप्त होता है तो यह केवल एक परंपरा को नहीं बल्कि भारत की 135 करोड़ जनता का इससे गौरव बढ़ता है, उसका सम्मान बढ़ता है। और वैश्विक मंच पर जब वह कहीं जाता है तो उसके सम्मान में अभिवृद्धि होती है। और आज भारत का नेतृत्व उसी यशस्वी दिशा में पूरे भारत को ले जाने का कार्य कर रहा है। अलग अलग पंथ और संप्रदाय भारत के अंदर है, लेकिन ये पंथ और संप्रदाय विभाजन के लिए नहीं है, ये मंजिल तक पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, वसुधैव कुटुंबकम का लक्ष्य एक ही है, सर्वे संतो निरामया का। यही एक भाव है जो हम सबको हिंदवा सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत के भाव के साथ, पवित्र भाव के साथ हम सबको जोड़ने का कार्य करता है। और जंगम बाड़ी मठ तो विगत कई सौ वर्षों से इस परंपरा को बड़ी मजबूती के साथ देश और दुनिया के अंदर ले जाने का कार्य कर रहा है। मैं कर्नाटक में, मुझे कुछ वर्ष पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। अनेक कार्यक्रम मेरे लगे हुए थे, कार्यक्रम मेरे राजनीतिक होते थे, लेकिन जब मुझे रुकना होता था तो वीर सब मठों में ही मुझे वहां पर रुकने का अवसर भी प्राप्त होता था। मैं वहीं रुकता था, वहीं पर रहता था, और एक आत्मीयता हमारी तब से बढ़ गई और बढ़ गई। किसी भी मठ ने यह नहीं कहा मुझे कि मैं यहां क्यों आ रहा हूं, बड़े स्वागत के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उन लोगों ने वहां पर मेरे साथ पूरे अभियान के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान के साथ वे जुड़े थे। और इसीलिए जब शताब्दी महोत्सव गुरुकुल का यहाँ पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले भी मुझे यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस जंगम बाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और यह भी एक बहुत अच्छे अवसर पर, किसी भी मठ की परंपरा में पट्टाभिषेक का बहुत बड़ा महत्व होता है। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने ज्ञान की परंपरा के साथ साथ वहां की पूरी व्यवस्था का उत्तराधिकार सौंपने की दिशा में अग्रसर होती है।
यानी हम वैसे भी वीर शैव मठ की परंपरा में जो पांच प्रमुख मठ हैं, उन पांच प्रमुख मठों का अपना अपना महत्व है, और उन पांच मठों में से काशी का मठ तो ज्ञान की परंपरा के साथ ही जुड़ा हुआ है, ज्ञान की परंपरा के साथ जुड़ा हुआ है। अभी आपने देखा होगा इस मठ से जुड़े हुए हमारे जितने भी आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, कितने मजबूती के साथ भारत और भारतीयता के प्रति वे पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं, धर्म के प्रचार के साथ साथ वीर शैव मठ की दार्शनिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के साथ ही भारत और भारतीयता और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं हम सबका अभिनंदन करता हूं, और आज के इस अवसर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, जिनका पटाभिषेक का यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस अवसर पर उन्हें अपनी बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या होनी चाहिए। काशी की पहचान बाबा विश्वनाथ के धाम से, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सैकड़ों वर्षों के बाद वो पहचान फिर से काशी को दिला दी है, और यही काम अयोध्या में भी हो रहा है। अयोध्या भी अब संवर रही है, अयोध्या भगवान राम का भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य वहां पर बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। और आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए कहना चाहूंगा, हम लोगों ने व्यवस्था बनाई है देश के हर पंथ और संप्रदाय के अनुयायियों के लिए वहां पर अपना धर्मशाला स्थापित करने के लिए, मठ की स्थापना करने के लिए अलग से भूमि के आवंटन की व्यवस्था वहां पर प्रारंभ हो रही है, और बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर एक बार फिर से, आप लोग कर्नाटक से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से और देश के अलग अलग कोने से बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में पधारे हैं, मैं काशी वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि जंगम बाड़ी के इस वीर शैव मठ की आदर्श परंपरा के अनुरूप वह इस मठ की परंपरा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में अपना योगदान देंगे। पूरे काशी वासियों का और उत्तर प्रदेश वासियों का उन्हें भरपूर सहयोग प्राप्त होगा। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।